रानी ये किताबें ले और इसको रद्दी में जाके बेच दे। सब ये तो यूपीएससी की किताबें हैं। अरे ये मेरे बेटे की किताबें हैं, अब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्यों मजाक कर रही है? तू घर घर बर्तन मांजती है, तू यूपीएससी कर लेगी? साहब लोगों के घर के बर्तन तो मैं इसलिए मांजती हूँ ताकि मेरा घर चल सके, और रात में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। जादा मुझे बेवकूफ मत बना, जा ये किताबें लेके बेच और घर आके जल्दी काम कर। साहब अगर आप कहें तो ये किताबें मैं रख लूँ? तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? चुपचाप इनको ले जा और जाके बेच दे, और ये यूपीएससी का भूत लेके मत घूम। साहब प्लीज मुझे ये किताबें दे दीजिए ना, साहब मदद हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है जा ले जा और जल्दी आके काम कर। थैंक यू साहब। हेलो साहब। नमस्ते साहब, यूपीएससी का फॉर्म भरना है और पेपर की तैयारी भी करनी है, कुछ पैसे भेज दीजिए। तेरा यूपीएससी का भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? साहब जिंदगी भर लोगों के घर के बर्तन नहीं मांजने, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है, मेरे समझाने से तो तू समझने वाली है नहीं, तुझे जो करना है कर। साहब खुद ठोकर खाएगी तभी अकल आएगी, वैसे तेरा यूपीएससी में कुछ होने वाला नहीं है। साहब फॉर्म भरना है, प्लीज पैसे भेज दीजिए ना। ठीक है मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। जी साहब। साहब ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे ये मिठाई किस लिए? साहब मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। क्या? हाँ साहब, ऑल इंडिया रैंक 25 आई है। क्या हुआ साहब, आप ये सुनकर खुश नहीं हुए? नहीं नहीं रानी बेटा, वो बात नहीं है, मैंने तुझे कभी समझा नहीं, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तू ये यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएगी, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे साहब आप माफी मत मांगिए, क्योंकि आपकी मदद की वजह से ही तो मैं ये यूपीएससी क्लियर कर पाई हूँ। आपको याद है आपने मुझे वो किताबें दी थी, उसी को पढ़कर तो मैंने एग्जाम दिया, और आपने जो पैसे भेजे थे उसी से मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था और पेपर की तैयारी भी की थी। आप नहीं होते तो ये सब मैं नहीं कर पाती। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, खूब तरक्की करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और इसी तरह आगे बढ़ती रहो। पर साहब वो मैं अब काम अरे भाई अब मेरे घर का काम करने की क्या जरूरत है, अब इतनी बड़ी ऑफिसर मेरे घर में काम करेगी क्या अच्छा लगेगा? धन्यवाद साहब, नमस्ते। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.